हेलो, गुड म॑र्निंग दोस्तों। 4 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है प्रीवियस के बारे में। यहाँ पे प्रीवियस की फुल फॉर्म है वो है, आपको ध्यान रखना है, प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाई इंटरेक्टिव वेडियो सेट एंड इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब। तो देखो है क्या ये प्रीवियस, वो हम देखते हैं। तो यह मैं आपको बताऊँ, एक सिंगल विंडो हब है, मतलब यह एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया, एक ऑनलाइन सिस्टम जनरेट किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के द्वारा। इसका काम क्या है ये पोर्टल? इसलिए है कि देखो, आपको पता है काफ़ी बार से कोई कंपनी वगैरह लग रही हो या फिर कोई फैक्ट्री लग रही हो तो उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो उसके लिए काफ़ी प्रोसीजर्स होती हैं, कई बार उसके लिए अप्रूवल में दिक्कत आती है, और जो कई बार जैसे कि ये मान लो कि एप्लीकेशन सबमिट तो कर दी गई बट उसको ट्रैक करना हो, तो इन सब में काफ़ी बड़ा एक तरीके से खामी, या हम बोलते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी काफ़ी दिक्कत है वो होती है। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए, ताकि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है वो मिल सके, इसके लिए प्रीवियस का निर्माण है वो किया गया है। तो यह डिजिटल इंडिया जो हमारा इनिशिएटिव था, आपको पता है गवर्नमेंट का, उसके तहत इसको स्टार्ट है वो किया गया है। और इसका मेन मोटो क्या रखा गया है कि जो हमारे देश का, आपको पता है, एक प्लान चलाया गया था, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। देखो, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का यहाँ पर मतलब बहुत सिंपल सा है। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम हो और जो प्रशासन हो वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मतलब गवर्नेंस सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। और इसी के तहत आपको बताऊं, जैसे गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि सेल्फ अटेस्टेड वाला। नहीं, पहले क्या होता था, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते तो हमें किसी गजटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाने होते थे, बट उसके बाद गवर्नमेंट ने ये किया कि भाई आप सेल्फ अटेस्टेड है, उसको रूल भी लाया गया था, तो वो भी इसी के तहत था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के तहत। तो ये इसका मेन मोटो यही रखा गया, तो हमें ध्यान में रखना है कि प्रीवियस है क्या। अब हम कुछ और फैक्ट हैं वो यहाँ पे देखते हैं। इसमें होगा क्या कि जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह को या कोई भी एक तरीके से हम बात करें कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना है, तो उसको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन काम हो जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है, मैनेजमेंट है, प्रपोजल है, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह है उन सब के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन को ट्रैक किया जा सकता है। और यह इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और इसमें होगा क्या कि जो स्टेट लेवल की जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनको भी इसमें साथ इंक्लूड किया गया है। मतलब कहीं भी ऑनलाइन क्लियरेंस लेना है, चाहे उसमें स्टेट का रोल हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सारा काम एक ही पोर्टल पर किया जाएगा। अलग अलग जगह फाइल वगैरह सबमिट करना, ये सारा झंझट नहीं होगा इसमें, तो यह ध्यान में रखना है। इसके साथ ही जैसे वाइल्ड लाइफ एंड जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसका भी क्लियरेंस लेना हो तो वो सारे काम भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। यह ध्यान, यूपीएससी ऐसे पूछ सकते कि ओनली इन्वायरमेंट फॉरेस्ट से रिलेटेड यह क्लियरेंस वगैरह प्रोवाइड करेगी, तो ऐसा नहीं है। ये वाइल्ड लाइफ एंड जो कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस है उनको भी प्रोवाइड करवाएगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट का हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटीज़ हो। तो यह कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं। मिनिस्ट्री जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, और जो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट है, देखो ऑब्वियसली अगर पोर्टल बनाया गया है तो टेक्निकल सपोर्ट तो जरूरत होता है, वो किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा, NIC के द्वारा। तो ये थी प्रीवियस पोर्टल के बारे में न्यूज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पे आया है वो है एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिटेशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशन एंड फैसिलिटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया है क्या, वो हम देखते हैं। देखो, आपको पता है कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, या आप बोलें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और उसी तरीके से न्यूक्लियर पावर है वो जापान के पास भी है, चाइना के पास भी है, USA के पास भी, और पाकिस्तान के पास है। बट यहाँ इस आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मतलब इंडिया के पास भी न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट हैं और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट हैं, और जगह जगह इंडिया और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन की बात करो, या फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे पावर प्लांट हो गया, या फिर और भी तरह की न्यूक्लियर की सिविल एरिया में भी रिसर्च की जाती है, तो वो स्टेशन हो गए, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन को लेके आर्टिकल है। देखो, इंडिया और पाकिस्तान ने 1988 में एक एग्रीमेंट साइन किया था, और वो आया था एक्टिव फॉर्म में 1991 में। और ये एग्रीमेंट इसलिए था कि भाई जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है और जो भी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे इंडिया में हो पाकिस्तान हो, वो दोनों कंट्रीज़ आपस में हर साल शेयर करेंगे जनवरी के महीने में। तो बेसिकली हर साल 1 जनवरी को आपस में एक्सचेंज करते हैं, जैसे इंडिया अपने जो भी न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट वगैरह उनके बारे में पाकिस्तान को बताता है कि भाई ये हमारे न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट है, और पाकिस्तान भी इंडिया को बताता है कि भाई ये हमारे न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट है, अगर फ्यूचर में कहीं भी हमारे कोई भी इशू हो तो इन एरिया पर अटैक नहीं हो सके। क्यों?
क्योंकि आपको पता है कि अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वाले एरिया में अगर अटैक होता है तो उससे भारी तबाही और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मतलब हम कहें कि पूरे विश्व तबाह हो सकता है एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च वगैरह काफ़ी तरह के एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि यह है किस लिए, ताकि अगर जब भी न्यूक्लियर अटैक हो रहा हो, सॉरी जो भी नॉर्मल अटैक हो, जैसे मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो, तो इंडिया ऐसी जगह अटैक ना करे पाकिस्तान में कि वहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए और फिर पूरा का पूरा तबाह है वो हो जाए। क्योंकि देखो आपको एक चीज़ बताऊंगा, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, ये हमारा इंडिया देखो इस तरीके से इसे बनी हुई है। अब आप जानते हो कि अगर यहाँ पे अटैक होता है इंडिया में, तो ऐसा नहीं कि वो नुकसान न्यूक्लियर वेपन का इसी एरिया में होगा, उसका नुकसान काफ़ी बड़े एरिया में होता है, तो उसमें पाकिस्तान भी चपेट में आ जाता है और भी कंट्रीज चपेट में आ सकती हैं। तो इसीलिए काफ़ी नुकसान है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है और उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा होता है और उसकी पूर्ति करना फिर या उसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये भी न्यूक्लियर जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में डाटा एक्सचेंज है वो किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये नॉन न्यूक्लियर जो अग्रेशन एग्रीमेंट है वो इसीलिए एक्टिव फॉर्म में आया था, ताकि न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है मिल्क फ्रेशनेस के बारे में। देखो दूध की जो क्वालिटी है या दूध की जो क्षमता है वो ख़राब ना हो, ख़राब होने से पहले ही यूज किया जा सके, इसके लिए IIT गुवाहाटी के जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक अभी सैंपल पेपर या एक सैंपल किट तैयार किया है और उसकी तरफ रिसर्च कर रहे हैं। तो ये काम क्या करेगा, यह दूध की जो फ्रेशनेस है ना उसको चेक करेगा, और इसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन एक एप्लीकेशन भी डेवलप किया गया है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। UPSC इसके बारे में पूछ सकती है स्टेटमेंट के थ्रू। अब है क्या थोड़ा हम देखते हैं। देखो दूध के अंदर एक बेसिकली फॉस्फेटेज होता है जिसका नाम है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। तो यह ध्यान रखना है एक एंजाइम है जो दूध के अंदर पाया जाता है, और इसी के आधार पर यह एक तरीका हम बोल सकते हैं यह एक इंडिकेटर है जिसके आधार पर दूध की फ्रेशनेस है, दूध की ताजगी का पता लगाया जाता है कि ये प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई दूध है वो पीने लायक है नहीं है, ख़राब हो गया कैसा है। अब देखो आपको पता है कि जब भी डेयरी वगैरह हमें दूध प्रोवाइड कराती हैं तो उसको पास्चराइज प्रोसीजर के थ्रू साफ़ या एक तरीके से हम बोलें कि उसको क्लीन किया जाता है, ताकि बैक्टीरिया उसमें इनएक्टिव हो जाएं और वो दूध लंबे टाइम तक स्टोरेज किया जा सके। तो उसमें जो अगर हम बात करें जो एल्केलाइन जो फॉस्फेटेज होता है इसी का यूज है वो किया जाता है, इसके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो UPSC एक तो इसके बारे में पूछ सकती है एल्केलाइन फॉस्फेटेज के बारे में, तो हमें ध्यान रखना है कि इसको ALP के नाम से भी जाना जाता है और यह दूध की क्वालिटी की में एक इंडिकेटर के तौर पर यूज है वो किया जाता है, और अगर ये प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो दूध है वो अभी जल्दी ख़राब हो सकता है, तो इसके आधार पर हम दूध का पता है वो लगाएंगे। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन भी बना गया स्मार्टफोन का एप्लीकेशन जो कि डाटा प्रोवाइड करवाता रहेगा कि हाँ भाई दूध खट्टा होने वाला है, तो इससे पहले पहले इस दूध का यूज है वो कंज्यूम है उसको किया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमने यहां पे डिस्कस की है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है NIA के बारे में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसको बनाया गया था 2008 में। NIA एक्ट आया था इसके लिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, उसके तहत इसको 2008 में डेवलप किया गया था। यह ध्यान रखना है कि इसका जो भी काम होता है वो होता है सेंटर काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तहत, मतलब जो टेररिज्म है इसको काउंटर करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पर यह काम करती है। और मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री यहाँ पे होम अफेयर, तो यह ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर यह आती है। इसके साथ ही हम देखते हैं अभी कंटेस्ट क्या था, अभी हमने NIA को डिस्कस किया है। देखो इंडिया में एक एक्ट है जिसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, UAPA एक्ट। ये जो एक्ट है ना इसके तहत इसका जो सेक्शन थर्ड है ना इस एक्ट का, UAPA एक्ट का सेक्शन थर्ड, इसमें अभी तीन इंस्टीट्यूट हैं उनको लास्ट ईयर से बैन है वो किया गया लास्ट 3 साल में। एक तो है उसमें इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF, दूसरा है नेशनल लिबरेशन फ्रंट इन त्रिपुरा NLFT, तीसरा है आल त्रिपुरा टाइगर फॉर्म। तो इन तीन जो संस्थाएं हैं इनको बैन किया गया, क्यों, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे समाज में या हमारे देश में अराजकता फैला सकती हैं और हमारे देश की जो छवि है इसको धूलमिल करती हैं, तो इसलिए इन तीन संस्थाओं को बैन है वो किया गया है। ये जो एक्ट है ना हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसका सेक्शन थर्ड है इसके तहत। इसके साथ ही जो एक्ट है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसके जो शेड्यूल फर्स्ट है इसमें शेड्यूल फर्स्ट भी है, और उसके तहत हमारे देश में 3 संस्थाएं और हैं जिनको भी बैन किया गया, तो वो भी उनका भी हमें पता होना चाहिए जो कि काफ़ी टाइम से बैन भी है, जिसमें एक तो है अलकायदा जिसका हमने काफ़ी बार नाम भी सुना है, इसके साथ ही इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस, और इसी के साथ ही इस्लामिक स्टेट की बात यहाँ पे की जाइए खुरासान वाले की, और यहाँ पे एक और है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, तो ये ध्यान रखना, और एक तीसरा है जिसका नाम है खालिस्तान लिबरेशन फोर्स एंड
कि हमें ध्यान में रखना है कि खालिस्तान लिबरेशन की जो फोर्स तैयार की गई थी उसको भी बैन किया गया है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उसी को लेके भी NIA न्यूज़ में आया था। क्यों? क्योंकि आप जैसा हमने देखो यहाँ पे डिस्कस किया था कि NIA का काम क्या है, कि वो एक तरीके से जो भी टेररिज्म है इसको काउंटर करने के लिए काम है वो करती है। और ये तीनों ही संस्थाएँ हैं जो ऊपर हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, IRF हुआ, NLFT हुआ और ITDF हुआ, ये भी आतंकवाद फैला रही थी, और ये नीचे वाली तीन संस्थाएँ अलकायदा, ये तो हैं आतंकवाद, तो इसीलिए NIA न्यूज़ में था, तो हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। तो है क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, यह ध्यान रखना है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की एकमात्र स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा कोई ज़्यादा स्कीम आई नहीं है अभी तक, यह उनकी एक इकलौती स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा लाई गई है। तो एक तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। अभी कंटेक्स्ट यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर वापस रिफिल किया जाता है, सिलेंडरों को वापस भरा जाता है, उसकी रेट 80% है, मतलब उसको रेट कर दिया। जैसे कि ये मान लो कि पहले सिलेंडर 100 रुपये में भरा जाता था, तो उसमें 20% की रेट वो कम कर दी है कि 20% जो पैसा है वो गवर्नमेंट वहन करेगी और 80% रेट पर सिलेंडर कस्टमर को भरना होगा। तो इसको लेके भी न्यूज़ है वो आई है। तो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पहला फैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की एकमात्र इकलौती स्कीम है। इसमें होता क्या है, LPG कनेक्शन से वो प्रोवाइड किए जाते हैं किसको, BPL फैमिलीज को। यह ध्यान रखना है BPL परिवारों को 1600 रुपये पर कनेक्शन के आधार पर उनको कनेक्शन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और यह जो कनेक्शन है वो वहाँ की जो जिस घर में कनेक्शन प्रोवाइड करा जाता है उस घर की महिला के नाम पे होते हैं। मतलब इसमें जो ओनर होता है सिलेंडर घर का, जो सिलेंडर वगैरह का, वो वुमेन को ओनर है वो बनाया गया, तो यह भी ध्यान में रखना है। इसके साथ ही अगर BPL को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा 2011 की, जो सोशल इकोनॉमिक जनगणना हुई थी 2011 की, उसके डाटा के आधार पर BPL परिवारों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको 1600 रुपये पर कनेक्शन के आधार पर सिलेंडर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो यह ध्यान में रखना है हमें। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका देखो बेनिफिट एक तो हम यूज़ कर सकते हैं इसको वुमेन एम्पावरमेंट में। क्यों? क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि हमारे देश में जो वुमेन थी उन्हीं को खाना बनाना होता था, और वो जैसे कि जो उपले वगैरह हुए या फिर लकड़ी वगैरह हुई तो इन चीज़ों को जला के ही वो खाना बनाती थी, और इनसे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता था और धुआं होता था। तो वो जो धुआं होता था किचन में वो कहीं ना कहीं वुमेन की हेल्थ को नुकसान पहुँचाता था, और इससे काफ़ी ज़्यादा वुमेन को डेंजरस बीमारी थी वो हो जाती थी। तो एक क्लीन फ्यूल है मतलब कुकिंग के लिए, वो प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था ताकि वुमेन की हेल्थ को भी कंसिडर किया जा सके और वुमेन को एम्पावरमेंट किया जा सके और उनको हेल्थ है उनको सिक्योर किया जा सके और उनको डिजीज भी कम हो इसको लेके और पोल्यूशन भी कम हो। इसीलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का इनिशिएटिव है वो लिया गया था। तो इसमें अभी तक लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा गैस कनेक्शन से वो प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है कृषक बंधु स्कीम के बारे में। देखो जो यहाँ पे एक कृषक बंधु स्कीम आई है ना, ये लॉन्च की गई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब पश्चिमी बंगाल सरकार के द्वारा ये स्कीम है वो लॉन्च की गई है। तो यह ध्यान रखना है इस स्कीम का मोटो क्या है। इस स्कीम का मेन मोटो यही है कि जो फार्मर्स हैं वेस्ट पश्चिमी बंगाल के, उनका जो ऊपर जो तनाव है, जो डिस्ट्रेस है, इसको कम किया जा सके। अब हम देखते हैं इसके प्रोविज़न क्या हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो वहाँ के जो किसान हैं वेस्ट बंगाल के, उनके किसानों को पर एकड़ के हिसाब से 5000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस है कि पैसे का सपोर्ट दिया जाएगा। मतलब हर एकड़ के ऊपर उनको 5000 रुपये दिए जाएंगे इंस्टॉलमेंट के थ्रू, ताकि वो अपनी फसल को अच्छे से यूज, मतलब अपनी फसल को आराम से बो सकें। देखो होता क्या है कि किसानों के पास जब बीज वगैरह खरीदने, खाद वगैरह खरीदने के लिए इन पैसे नहीं होते हैं, तो वो साहूकार वगैरह या महाजन बड़ियों से पैसे लेते हैं और वो उन्हें काफ़ी महंगी रेट पे लोन है वगैरह देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी कम इनकम होती है किसानों को। क्यों इनका ओबियसली अगर वो महंगे पे लोन ले रहे हैं और फसल से उनको अच्छी इनकम नहीं हो पा रही है, तो वो लोन चुकाने में उनका पैसा सारा चला जाता है। इसलिए किसानों के पास बाद में कुछ भी नहीं बचता है सिवा ढेले के। और इनको ध्यान में रखते हुए ये 5000 रुपये की असिस्टेंस दिए जाएगी उनको पर एकड़ के हिसाब से। जैसे किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है तो उसको 10000 रुपये मिलेंगे, वो भी इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, ताकि किसान जब भी उनको ज़रूरत हो वैसे वैसे उन पैसों का यूज़ कर सके, बीज खरीद सकें, खाद खरीद सकें, जो भी उनको पेस्टिसाइड वगैरह की ज़रूरत हो वो। और यह खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए दिए जाएंगे। यहाँ पे ये इसमें प्रावधान ये भी किया गया है कि इसमें लाइफ इंश्योरेंस को भी कवर किया गया है 2 लाख तक का।
जैसे कि किसान की डेथ भी हो जाती है इन केस ऑफ, तो उस कंडीशन में 2 लाख रुपए का डेथ कवर है वो भी यहाँ पे कवर किया गया है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, किसान की उम्र वो 19 है यहाँ से 18 से 60 साल के बीच में। और इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका यह है कि किसानों को इसके लिए कोई भी प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई तरह का प्रीमियम है वो ज़रूरत नहीं है, बिना प्रीमियम की इंश्योरेंस है वो दी जा रही है। तो इससे लगभग 72 लाख किसानों को बेनिफिट है वो होने वाला है। तो ये यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स के में जो न्यूज़ थी वो हमने कवर की है। ये थी आज की हमारी डिस्कशन। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित युग्मों के ऊपर विचार करना है। देखो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया है वेल्लार है वो सैनिक है, दूसरा दिया गया है कि आदिमाई जो कि दास या गुलाम थे, तीसरा कहा गया है कि केदेसी है जो कि भूमिहीन मजदूर थे। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सही ढंग से सम्मिलित है या कौन सा सही ढंग से मैच है वो किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है केवल 1 और 2, 2 और 3 और 1 और 3 और 1, 2, 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपके सामने कि आरंभिक वैदिक काल में महिलाएं सभाओं में और विधताओं में भाग लेती थी, तो यह आपको बताना कि सही है या नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि आरंभिक वैदिक काल में वशिष्ठ जो एक पुजारी होता था कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली ए, ओनली बी, बोथ और नन ऑफ दिस। अब देखो हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने सबसे पहले प्रवेश पोर्टल के बारे में जाना, जो कि एक सिंगल विंडो हब है जिसका मेन मोटो यह है कि एनवायरनमेंट संबंधी जो भी क्लियरेंस हो वो ऑनलाइन मिल सके। और डिजिटल इंडिया के तहत एक इनिशिएटिव लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। इसके साथ ही हमने एक एग्रीमेंट के बारे में जाना जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ताकि न्यूक्लियर जो भी इंस्टॉलेशन है इसको आपस में उनका लिस्ट है वो शेयर की जा सके, ताकि फ्यूचर में कोई भी अटैक हो तो उसे बचा जा सके। इसके साथ ही हमने एल्कलाइन फॉस्फेटेज के बारे में जाना जो कि दूध में एक एंजाइम होता है, इसी के आधार पे आईआईटी गुवाहाटी ने किट तैयार किया है। और हमने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में जाना। इसी के साथ हमने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के फैक्ट हैं उनको कवर किया। और हमने यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के फैक्ट जाना कि इसमें वुमेन को गैस कनेक्शन से वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसी के साथ हमने कृषक बंधु स्कीम के बारे में जाना जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। देखो ये जो स्कीम है ना कृषक बंधु स्कीम, इसी के तर्ज पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम है वो लॉन्च की थी। तो आपको उसका नाम बताना है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी जो कि सेम कुछ इसी तरीके की है, जिसमें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवाया जाता है किसानों को। ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।